हेलो फ्रेंड, क्या आप भी मोबाइल से ही आप ईजी पे के वॉलेट से किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करते थे या फिर कैश विड्रॉ करते थे, वो भी APSYB के द्वारा यानी यस बैंक के द्वारा? तो अभी यस बैंक में तो संकट का बादल मंडरा रहा है, ये मालूम नहीं कब जाके इस बादल का अंत होगा मालूम नहीं। तो अब ईजी पे के वॉलेट में फिनो MATM का भी सर्विस लाइव हो चुका है, तो उसे किस तरह से आप यूज कीजिएगा अगर आपको मालूम नहीं, तो इस वीडियो में हम आपको बता देंगे किस तरह से आप फिनो MATM के द्वारा किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा या फिर कैश विड्रॉ कर पाइएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम पहले अपना ईजी पे के वॉलेट को ओपन कर लेंगे और वहाँ से हम आपको बताएँगे कि फिनो MATM के द्वारा किस तरह से किसी भी कस्टमर का हम बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे। तो हम अपना वॉलेट को हम ओपन कर लेते हैं लॉगिन करने के बाद यहाँ पे। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि अगर किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉ करते थे यहाँ पे APSYB यानी यस बैंक के द्वारा हम किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करते थे, लेकिन अभी इसमें जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये ओपन नहीं होता है, बहुत देर तक ऐसा ही सर्च होने लगता है और यहाँ से आप बैक भी नहीं कर पाइएगा, कोई भी बटन यहाँ पर काम नहीं करेगा। और यहाँ से इसको को कट करने के लिए हमको होम बटन का सहारा लेना पड़ता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसे हम होम बटन से दबाकर इसे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे ईजी पे के वॉलेट को हम लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि यस बैंक में अभी वर्क नहीं हो रहा है और ये फिनो बैंक का MATM के द्वारा आप ईजी पे में ये सर्विस का लाभ उठा पाते हैं, किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉ या फिर बैलेंस इंक्वायरी कर पाइएगा। तो चलिए हम फिनो बैंक के सर्विस को किस तरह से यूज करते हैं इसे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिनो MATM को हम ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे ओपन हो गया। ये देखिए फर्स्ट वाले में माइक्रो MATM सर्विस यानी माइक्रो ATM के द्वारा इस सर्विस का लाभ उठा पाइएगा। अगर EPS सर्विस यहाँ पे नीचे वाले में आपको अगर कोई डिवाइस या फिंगरप्रिंट के द्वारा करते हैं तो फिंगर मशीन, तो यहाँ पर नीचे वाले का आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसे हम बैलेंस इंक्वायरी में क्लिक कर देंगे, उसके बाद प्रोसीड में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं EPS डिवाइस इज नॉट, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हमको डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं सेटिंग के निशान में लिखा हुआ है, इसे हम क्लिक कर देंगे। इसे जैसे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास जो भी स्कैनर है उसे आपको सेलेक्ट कर देना होगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, अगर मोबाइल में लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जैसे फिनिश कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस फेल यानी हमारे मोबाइल में अभी वो डिवाइस कनेक्ट नहीं है। तो पहले आपको डिवाइस को कनेक्ट करना होगा, जो भी डिवाइस हो, मार्पो हो या मंत्रा हो, उस ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। डिवाइस को लगाने के बाद यहाँ पर मंत्रा है हमारा, मंत्रा में सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस बॉक्स में क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये RD सर्विस हमें डाउनलोड नहीं है, तो पहले इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए ये इसे हम इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाउ यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, उसके बाद इंस्टॉल में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा RD सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल में पहले से RD सर्विस मंत्रा का डाउनलोड होगा तो ये सब ऑप्शन आपको नहीं पूछेगा। तो हमारे डिवाइस में ये सर्विस अभी डाउनलोड नहीं है, तो इसलिए हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे, फिनिश करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस सक्सेसफुल डिटेल्स मंत्रा डिवाइस पर देते हैं, उसके बाद ओके कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक कर देंगे बैलेंस इंक्वायरी में। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सर्च चलेगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे UID नंबर डालना होगा, उसके बाद कौन सा बैंक है बैंक सेलेक्ट करना। अगर UID नंबर मालूम नहीं है यानी आधार नंबर आपको डालना होगा, UID मतलब आधार कार्ड का नंबर जो भी है वो डाल के बैंक सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इस बॉक्स में टिक लगा देना। उसके बाद लेफ्ट राइट कौन सा उंगली आप यहाँ पर डाल रहे हैं, कौन से हैंड का उंगली फिंगर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने लगा होगा। अगर लेफ्ट का कर रहे हैं तो आपको कौन सा डाल रहे हैं, थम डाल रहे हैं, मिडिल उंगली डाल रहे हैं या फिर लिटिल उंगली डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं डालना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना UID नंबर डाल के उसके बाद बैंक डिटेल भर लेंगे।
तो चलिए फटाफट हम पहले आधार कार्ड का नंबर डाल लेते हैं, या फिर देख सकते हैं आधार नंबर डाल दिए, उसके बाद बैंक, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड का थंब, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके डिवाइस में देखिएगा लाइट कलर का बल्ब जलने लगेगा, यहाँ पे पहले अलाउ कर देंगे हम। अलाउ करने के बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मंत्रा डिवाइस में लाल कलर का बल्ब जलने लगा। उसके बाद उसमें फिंगर डालिए और उसके बाद आपका बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिनो एमएटीएम के द्वारा किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी कीजिएगा या फिर किसी भी कस्टमर का कैश वीडियो कर पाइएगा। दोस्तों, अगर आप ईजी पे के अभी तक रिटेल आईडी नहीं लिए और लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक नंबर डाल दिए, उस नंबर में आप व्हाट्सअप करके ईजी पे के रिटेलर बन सकते हैं। आप इस कंपनी के साथ जुड़कर आप इन सारी सर्विस का लाभ उठा पाएंगे और मोबाइल रिचार्ज वगैरह हर काम इसमें कर पाइएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने को दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस लाल कलर के बटन को दबा दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।